तरह के फ़ैन यूपीएस और कंप्यूटर में लगे होते हैं, लेकिन ये यूपीएस वाले फ़ैन से थोड़ा बड़ा है और इसकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। इसकी तारें उल्टी लगाने से ये जल चुका है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं। ये हम डीसी पे इसको चला कर चेक करने लगे हैं। ये अभी नहीं चल रहा क्योंकि इसका आगे जो है सप्लाई करंट नहीं जा रहा, तो इसको हम खोल कर चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये बैरंग है, बैरंग के ऊपर एक सील लगी है, उस सील को खोलेंगे। इस फ़ैन का एक कंपेस्टर जो है जल चुका है, जिसकी वजह से ये फ़ैन नहीं चल रहा, तो हम उस कंपेस्टर को निकाल लेंगे और उसकी जगह सोल्डरिंग कर देंगे, यानी वहाँ पे टांका लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी तरह जो है कंपेस्टर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे हम टांका लगा देंगे, उसको डायरेक्ट कर देंगे, तो फिर फ़ैन चलना शुरू हो जाएगा। आगे वीडियो देखते रहें। ये है कंपेस्टर जो जल चुका है, इसकी जगह हम टांका लगा देंगे और इसको डायरेक्ट कर देंगे। हमने जहाँ से कंपेस्टर निकाला था वहाँ पे टांका लगा देंगे और इसको डायरेक्ट कर देंगे। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है टांका लगा के। अब इसको चेक करते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं। देखें, हमारा जो फ़ैन है चलना शुरू हो गया है, लेकिन इसकी स्पीड अभी कम है,
इसमें हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो नॉर्मल 12 वोल्टेज हैं, तो इसको फुल स्पीड पे लगा के चेक करते हैं और इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। इसकी फिटिंग करके हम इसको फुल 12 वोल्टेज पे लगाएंगे, तो फिलहाल इसको फिट कर लेते हैं। इसका ये छोटा सा बैरिंग है, इसको यहाँ पे लगा देना है। इसको हम अब फुल 12 वोल्टेज पे लगाने लगे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, आपको चेक करवाते हैं।